स्वागत है आपका विद्या मंदिर क्लासेस के लाइव वेबिनार में। मेरा नाम मोहित सैनी है और मैं आपका लिक्विड सॉल्यूशंस चैप्टर का सेशन लेने वाला हूँ। लिक्विड सॉल्यूशंस जो हमारे पास चैप्टर है वो जेई के पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई मेंस 2019 की अगर मैं बात करूँ तो उससे 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, और अगर जनवरी 2020 की बात करूँ तो इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके क्वेश्चन का क्या है कि ये क्वेश्चन ईजी रहते हैं तो आसानी से अटैम्प्ट भी कर पाओगे आप। लिक्विड सॉल्यूशंस में जो हमें पढ़ना है उसके केस में क्या है कि आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि लिक्विड आपके पास क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए, और जो सॉल्यूट है आपके पास वो सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो सकता है। इसका मतलब है हमें जो पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि गैस इन लिक्विड, या फिर लिक्विड इन लिक्विड, या फिर सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो तीन तरीके के सॉल्यूट हो जाएंगे, सॉलिड लिक्विड गैस और सॉल्वेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, लिक्विड। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैस इन लिक्विड की। जो सबसे स्टार्टिंग में हमारा डिस्कशन होगा वो किससे होगा, गैस इन लिक्विड की। तो हम पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी, हम पढ़ेंगे सबसे पहले सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर का, कि प्रेशर को बढ़ाने से गैस की सोल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो इसके लिए हमने एक इमेज ली हुई है, इस इमेज में देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास गैस के पार्टिकल्स हैं, ये हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास लिक्विड है। तो अगर आप यहाँ से प्रेशर को बढ़ा देते हो, अगर आप यहाँ से प्रेशर को इंक्रीज कर देते हो, पिस्टन को नीचे की तरफ आप पुश करते हो, तो पिस्टन अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो रेड वाले पार्टिकल्स है, मतलब गैस के जो पार्टिकल्स है, गैस के जो पार्टिकल्स है देखो वो किसके अंदर आ गए, लिक्विड के अंदर मिक्स हो गए। इसका मतलब है कि प्रेशर जैसे ही बढ़ाया तो गैस के पार्टिकल्स किसकी तरफ आने लग गए, लिक्विड की तरफ आने लग गए। तो इससे हमें पता चला कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर आपके पास क्या हो जाती है, सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सोल्युबिलिटी कैसे बढ़ गई, क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो मोर एंड मोर गैस पार्टिकल्स किसके अंदर डिजोल्व होते चले जाएंगे, लिक्विड के अंदर डिजोल्व होते चले जाएंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा गैस पार्टिकल लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास सोल्युबिलिटी बढ़ जा रही है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। ठीक है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। जितना ज्यादा आप ऊपर की तरफ से गैस का प्रेशर लगाओगे, जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी ही सोल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, या इसको हम हेनरी लॉ के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। हेनरी लॉ क्या कहता है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय, इसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, या आपको काय भी कह सकते हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन। ये क्या है, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबोव द सॉल्यूशन। इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास गैस थी उसका पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे जो हमारे पास गैस थी उसका पार्शियल प्रेशर, ये जो एक्स हो गया, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। मतलब जो गैस हमारे पास डिजोल्व हो गई, इसका मतलब कहने का ये है कि जितना आप ऊपर की तरफ से गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, ज्यादा प्रेशर होगा तो गैस की जो सोल्युबिलिटी होगी लिक्विड के अंदर वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, इसका एप्लीकेशन हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के अंदर CO2 जो भरी जाती है वो हाई प्रेशर से भरी जाती है, जितना ज्यादा प्रेशर से भरी जाएगी उतना ही उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया, पी क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन, एक्स क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू के एच एक्स, और ये जो के एच हो गया वो हो गया हेनरी कॉन्स्टेंट, क्या हो गया हेनरीज कॉन्स्टेंट, ये जो के एच हो गया हेनरी कॉन्स्टेंट। तो जो के एच होता है वो गैस पे भी डिपेंड करता है, तो ये गैस डिपेंडेंट है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर भी डिपेंडेंट। तो हमें दो बात समझ में आ गई कि KH की वैल्यू गैस पे भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ये बात अभी मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूंगा। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझ में आ गया, जितना ज्यादा आप गैस का प्रेशर बढ़ाते चले जाओगे उतनी ही उसकी सोल्युबिलिटी होती चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर इसमें आप देखोगे तो इस कर्व से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ तो जो मैं बात कर रहा हूँ टेम्परेचर का इफेक्ट, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है कर्व किस तरफ आ जा रहा है, नीचे की तरफ आ जा रहा है, कर्व नीचे की तरफ आ जा रहा है, मतलब आपके पास गैस की सोल्युबिलिटी क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। तो उसका क्या है रीजन है,
कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, आपके पास मॉलिक्यूल्स की स्पीड या वेलोसिटी बढ़ेगी। तो गैस पार्टिकल्स जो होंगे उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एस्केप कर जाएंगे फ्रॉम सॉल्यूशन, एस्केप फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से क्या कर जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे। अगर वो सॉल्यूशन से एस्केप कर जाएंगे, इसका मतलब वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं रहे, इसका मतलब है कि उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी गैस के पार्टिकल्स की कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमें टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऊपर हमने पढ़ा कि प्रेशर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इस वाली बात को हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास जो पी होता है वो होता है KHX। जो KH होता है वो हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। KH क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और वो गैस पे भी डिपेंडेंट होता है, मतलब अलग अलग गैस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग आती है। टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे सेम गैस के KH की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं O2 की बात करूँ तो एक बार टेम्परेचर में ले लूँ 293 केल्विन, एक बार मैं 303 केल्विन, तो दोनों केसेस में KH की वैल्यू अलग आएगी। पी इज इक्वल टू KHX। अगर मान लीजिए मैंने प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट, आप प्रेशर को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। अब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर लो, प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज करा, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से KH क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करा, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से KH इंक्रीज हो गया। आप देखो KH की वैल्यू इंक्रीज कर गई, KH की वैल्यू इंक्रीज कर गई, लेकिन प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो आपके पास ये जो काई है उसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो सो काई की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका एक आप एक्सपेरिमेंटल भी चीज समझ सकते हैं इस बात को, या इसका एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं आप कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। कोल्ड वाटर में क्यों, क्योंकि वो जब टेम्परेचर कम होगा तो जो O2 है उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। अगर O2 की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी तो उनके लिए इजी रहेगा ना ऑक्सीजन को लेना, और हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो O2 की सोल्यूबिलिटी पानी के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उनके लिए रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी उतने अच्छे से। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी हो गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी हो गया। गैस की सोल्यूबिलिटी नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करती है कि गैस कौन सी है। ठीक है, तो जनरली जो हमारे पास इजिली लिक्विफिकेबल जो गैसेज होती है, जो आसानी से लिक्विफाई हो जाए, उन गैसेज की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, उन गैसेज की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है जो आसानी से लिक्विफाई हो जाए, उन गैसेज की सोल्यूबिलिटी कंपेरेटिवली ज्यादा होती है जो आसानी से लिक्विफाई ना हो उनके कंपेरिजन में। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। ये 2016 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 की बात कर रहा है, सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पे बात कर रहा है, 300 केल्विन पे बात कर रहा है, एंड 500 टोर पार्शियल प्रेशर इज 0.01 ग्राम पर लीटर। सोल्यूबिलिटी हमें बतानी है 750 टोर पार्शियल प्रेशर पे, 750 टोर पार्शियल प्रेशर पे। तो अगर इसकी हम बात करें तो हमने अभी पढ़ा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी, कि प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, सोल्यूबिलिटी के। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा सोल्यूबिलिटी होगी, अगर आप टेम्परेचर को क्या लेके चल रहे हो, कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P1/P2 इज इक्वल टू S1/S2। तो हमें क्या दे रखी है, P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500, P2 की वैल्यू 750, सोल्यूबिलिटी इनिशियल कितनी थी 0.01, S2 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास S2 कितना आ जाएगा, हमारे पास S2 आ जाएगा 0.01 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 500। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास सोल्व करने के पास सोल्यूबिलिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.015। ठीक है, इसको सोल्व करने से आपके पास सोल्यूबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.015। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास इस केस में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी वाली बात आपको अप्लाई कर देनी। ये नेक्स्ट 2019 का क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट्स हेनरी लॉ की नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो हेनरी लॉ क्या होता है, पी इज इक्वल टू KHX, KH होता है हेनरीज कांस्टेंट, X होता है मोल फ्रैक्शन, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सोल्यूशन, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन।
सबसे पहले क्या कह रहा है, हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट ए गिवन प्रेशर, प्रेशर को क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट कर दिया, के एच की वैल्यू ज्यादा है, के एच की वैल्यू क्या कह रहा है, हायर द के एच की वैल्यू ज्यादा होगी तो हायर इज द सोलिबिलिटी, तो गलत बात है। अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है और के एच ज्यादा है तो सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर के एच की वैल्यू ज्यादा है तो सोलिबिलिटी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा ताकि प्रेशर कॉन्स्टेंट रहे। तो इसके बाद हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट ही गलत होगी, ए ही स्टेटमेंट गलत होगी। बाकी की स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अभी बताया था के एच की वैल्यू टेम्परेचर के साथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। और के एच गैस पे भी डिपेंड करता है, अलग अलग गैस के एच की वैल्यू अलग अलग होती है। डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट के एच, ये अभी बता चुका हूँ। और ये तो स्टेटमेंट ही लिखी हुई है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास 2019 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास चार सॉल्यूशन दे रखे हैं गैसेस के, चार गैसेस दे रखे हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड वाटर के अंदर 298 केल्विन पे, और उनके हेनरी लॉ कांस्टेंट है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड उन सबके हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखे हैं 0.5 235 और 40, मतलब उनके के एच की वैल्यू दे रखी है, उनके के एच की वैल्यू ये दे रखी। अब हमसे पूछ रहे द करेक्ट प्लॉट फॉर द गिवन डाटा इज, करेक्ट प्लॉट के बारे में पूछ रहे हैं, प्लॉट किसके बीच में, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो हमें पता है कि अगर हम हेनरी लॉ की बात करें तो P इज इक्वल टू के एच एक्स, और ये क्या होता है, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। और यहाँ पे हमें जो ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे जो हमें ग्राफ दे रखा है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के कंपेरिजन के रेस्पेक्ट में दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के रेस्पेक्ट में दे रखा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू के एच 1 माइनस, ये तो था मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास गैस का मोल फ्रैक्शन और वाटर का मोल फ्रैक्शन का जोड़ कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगा P इज इक्वल टू के एच माइनस के एच एक्स ऑफ वाटर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के रेस्पेक्ट में ग्राफ बना रहा हूं मैं। तो अभी इस ग्राफ को आप ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर तो वाई एक्सिस पे, तो ये हो गया वाई, ठीक है, और जो हमारे पास के एच हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, के एच हमारे पास क्या हो गया, के एच हमारे पास आ गया इंटरसेप्ट, और जो माइनस के एच हो गया, जो माइनस के एच हो गया वो हमारे पास हो गया स्लोप, वो हमारे पास क्या हो गया स्लोप। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं स्लोप हमारे पास कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग स्लोप होना चाहिए, कैसा स्लोप होना चाहिए, डिक्रीजिंग स्लोप होना चाहिए। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। और इंटरसेप्ट है, के एच है, इंटरसेप्ट भी क्या ही है, हमारे पास के एच है, तो जिसके के एच की वैल्यू ज्यादा होगी उसका इंटरसेप्ट ही सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए जेड का इंटरसेप्ट सबसे ज्यादा आना चाहिए, फिर वाई का, फिर एक्स का, और फिर डब्ल्यू का। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए ऑप्शन है उसी में ये मैच कर रहा है कि जेड का इंटरसेप्ट देखो सबसे ज्यादा है, जेड का इंटरसेप्ट सबसे ज्यादा है, फिर वाई का, फिर एक्स का, फिर डब्ल्यू का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना था कि ये जो x है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है, लेकिन हमें किसका मोल फ्रैक्शन गिवन था, वाटर का, तो हमने इस फॉर्मूले में 1 माइनस x ऑफ वाटर कर दिया, और उसके बाद इंटरसेप्ट और स्लोप हमने देख लिया। उसी को देख के हम ग्राफ में आइडिया लगा सकते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है और कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का क्या मतलब है कि हमारे पास ये लिक्विड फेज है, हमारे पास ये लिक्विड फेज है, ये हमारे पास लिक्विड फेज है, और ये इसकी वेपर्स बन रही है, उसी लिक्विड की वेपर्स बन रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो इसका मतलब है गैस की लिक्विड में जाने की टेंडेंसी और लिक्विड की, गैस की लिक्विड में जाने की टेंडेंसी और लिक्विड की गैस में जाने की टेंडेंसी अगर बराबर हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमारे पास जो भी वेपर्स का प्रेशर होता है उसको क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब हो गया प्रेशर ऑफ द वेपर्स ऑफ एनी लिक्विड, प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑफ एनी लिक्विड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इज वेपर प्रेशर, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इज वेपर प्रेशर। मतलब कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में बात करेगा, कौन सी कंडीशन के बारे में, इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में। तो हमारे पास ये जो लिक्विड था और ये जो गैस था इनके बीच में इक्विलिब्रियम था, लिक्विड और गैस के बीच में,
तो अगर मैं इसके बारे में इक्विलिब्रियम की एक्सप्रेशन लिखूं तो केपी इज इक्वल टू क्या आएगा, केपी इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रेशर ऑफ गैस, क्योंकि जो हमारे पास लिक्विड होता है, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड तो हमारे पास इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में नहीं आते हैं, तो केपी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी ऑफ गैस, केपी आ गया पी ऑफ गैस। और जो हमारे पास केपी जो होता है वो केवल किसका फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो केपी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का, केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है, टेम्परेचर ओनली। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारे पास पी ऑफ गैस, पी ऑफ गैस का मतलब हो गया, पी ऑफ गैस का मतलब हो गया वेपर प्रेशर, तो जो वेपर प्रेशर भी हो गया वो भी किसका फंक्शन हो जाएगा, केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, ऐसे नहीं होगा कभी भी कि जो आपने ये लिक्विड लिया, एक लिक्विड लिया आपने और आपने कहा कि जैसे इसकी वेपर्स बननी शुरू हुई उन वेपर्स का प्रेशर ले लो, उसको वेपर प्रेशर नहीं कहते। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, मतलब लिक्विड से वेपर जाने की टेंडेंसी और वेपर से लिक्विड आने की टेंडेंसी सेम नहीं हो जाती, तब तक उसको वेपर प्रेशर नहीं कहते। तो हमारे पास वेपर प्रेशर किसके बाद बराबर आ गया, केपी के। केपी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। इसका मतलब वेपर प्रेशर भी किसका फंक्शन हो गया, टेम्परेचर का। ठीक है, तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, पर एक टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर, किसी भी एक पर्टिकुलर लिक्विड के बारे में बात करेंगे तो। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वेपर प्रेशर सरफेस एरिया के इंडिपेंडेंट रहता है, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अब हम जो टेम्परेचर में एक रिलेशन लगाते थे केपी के अंदर, इक्विलिब्रियम में जो रिलेशन लगाते थे, एलएन केपी टू अपॉन केपी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। तो ये रिलेशन, केपी टू की वैल्यू वेपर प्रेशर के बराबर है, तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, एलएन वीपी टू डिवाइडेड बाय वीपी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। तो ये रिलेशन भी आप लगा सकते हैं कि एक टेम्परेचर पे आपको वेपर प्रेशर पता हो तो दूसरे टेम्परेचर पे आपको वेपर प्रेशर कैसे निकाल पाएंगे। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा से ज्यादा वेपर्स बनेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो उनका प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड वेपर प्रेशर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का वेपर प्रेशर से क्या लेना। तो अगर मान लीजिए हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं, अगर हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लिक्विड के अंदर ज्यादा हैं, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसके पार्टिकल्स की वेपर में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होती है वेपर प्रेशर उतना ही कम होता है, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, उतना ही कम हो जाता है। तो जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे उनका वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए मैं कंपैरिजन करूं H2O का, इथेनॉल का और डाईइथाइल ईथर का, ठीक है, ईथर का, ठीक है, इनका कंपैरिजन करूं मैं, तो हमारे पास जो H2O होता है उसके अंदर तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग होती है उसके पार्टिकल्स के बीच में, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग है। इथेनॉल के केस में कंपैरेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग है, ठीक है, वीक एच बॉन्डिंग मान लीजिए, कंपेरेटिवली वीकर एच बॉन्डिंग, इसके केस में उतनी ज्यादा बढ़िया से एच बॉन्डिंग नहीं हो पाती, और इसके केस में तो एच बॉन्डिंग है ही नहीं, इसके केस में तो एच बॉन्डिंग है ही नहीं। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पास किसकी वेपर में जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा रहेगी, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज का ऑर्डर क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की बात करें, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज सबसे ज्यादा किस में, H2O में, फिर इथेनॉल में और फिर ईथर में, फिर ईथर में। तो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा बताइए, जिनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है उसकी तो वेपर में जाने की टेंडेंसी सबसे कम है, तो H2O के वेपर में जाने की टेंडेंसी तो सबसे कम होगी, इसीलिए उसका वेपर प्रेशर भी सबसे कम होगा, इसीलिए वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा, ईथर का। ठीक है,
नेक्स्ट टर्म जो हमें पढ़नी है इससे रिलेटेड, वो पढ़नी है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे हमारे पास वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर जब एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो हमारे पास अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ तो हमारे पास H2O का वेपर प्रेशर, H2O का वेपर प्रेशर 0.2 atm मान लेते हैं, और इथेनॉल का 0.4, और ईथर का जो हमने ईथर लिया हुआ था उसका 0.6, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब अगर हम बात करें कि एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो एक टाइम पे ये 0.2 भी किसके बराबर हो जाएगा? बढ़ बढ़ के 1 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको 0.2 से 1 लेके जाना है, यहाँ पे आपको 0.4 से 1 लेके जाना है, और यहाँ पे आपको 0.6 से 1 लेके जाना है। तो किसके केस में सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, जहाँ पे आपके पास डिफरेंस ज्यादा है? तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा आएगा? H2O का, क्योंकि यहाँ पे 0.2 से 1 लेके जाना है, तो 0.2 से 1 लेके जाना है। फिर इथेनॉल का आएगा, और फिर किसका आएगा? ईथर का, जिसके केस में केवल 0.6 से डायरेक्टली 1 तक लेके जाना है। तो सबसे कम चेंज इसी में करना है, तो उस केस में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम आएगा। तो अभी यहाँ पे समझ में आया कि वेपर जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। जितनी ज्यादा होंगी उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जितनी ज्यादा होती हैं, उतना ही ज्यादा क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो वेपर प्रेशर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी, इनडायरेक्टली वेपर प्रेशर कम होगा। उसको 1 atm तक पहुंचाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेज और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज्यादा होगा उसको बॉइल कराने के लिए, उसका वे उसको गैस फेज में लेके जाने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। ये देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर दे रखे हैं 3 डिफरेंट लिक्विड्स के लिए। ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है, इधर दे रखा है वेपर प्रेशर, इधर दे रखा है टेम्परेचर। उससे हमें क्या क्या बातें समझ में आती हैं वो इसमें पूछा है। तो देखिए अगर आप वेपर प्रेशर को कांस्टेंट कर दे, मान लीजिए यहाँ 400 से एक लाइन ड्रॉ कर दी आपने, 400 से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो सबका वेपर प्रेशर 400 हो गया। तो देखो एक्स का वेपर प्रेशर 400 होने के लिए हमें टेम्परेचर इतना लगा, वाई का वेपर प्रेशर 400 होने के लिए हमें जो टेम्परेचर लगा वो ये लगा, और जेड का जो वेपर प्रेशर 400 होने के लिए हमें जो टेम्परेचर लगा वो ये लगा। तो देखिए जो हमारे पास एक्स था उसने सबसे लो टेम्परेचर पे 400 वेपर प्रेशर को अचीव कर लिया। इसका मतलब है कि हमारे पास एक्स जो होगा उसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी सबसे कम होंगी, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर लो टेम्परेचर पे भी काफी ज्यादा है, तो जो 400 का वेपर प्रेशर अचीव करने के लिए एक्स को 313 के लगभग का टेम्परेचर लगा, वाई को मान लीजिए 340 के अराउंड टेम्परेचर लगा, और जेड को कितना लगा? 353 के अराउंड टेम्परेचर लगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से समझ में आता है कि हमारे पास जो एक्स होगा उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस कंपैरेटिवली कम रहेंगी। तो हम अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करें तो एक्स के अंदर सबसे कम रहेंगी, फिर वाई के अंदर, और फिर जेड के अंदर। तो एक्स के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेज सबसे कम थी, इसीलिए उसकी वेपर में जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा थी, इसीलिए इसने 400 का वेपर प्रेशर लो टेम्परेचर पे ही अचीव कर लिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मतलब वो 1 एटीएम को बहुत जल्दी अचीव कर लेता है, बहुत लो टेम्परेचर पे अचीव कर लेता है, इसीलिए ये 400 को वो ही जल्दी से अचीव कर लेगा, 400 के वेपर प्रेशर को, जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज कम होंगी, मतलब जिसकी वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो यहाँ से समझ में आती है कि एक्स के इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज सबसे कम है, फिर वाई की, फिर जेड की। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन मैच कर जाएगा वो सी वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है, जो सी वाला ऑप्शन है वो मैच कर जाएगा,
जो कि ऑप्शन ये कह रहा है कि एक्स हैज लोअर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कंपेयर टू वाई, एक्स की वाई से कम है, वाई की जेड से भी कम है, बाकी आप ऑप्शन देख लीजिए। नेक्स्ट जो बात आती है हमारे पास आती है वो आती है लिक्विड इन लिक्विड। अब हम क्या कर रहे थे, अभी हम गैस को लिक्विड में मिला रहे थे, अब किसकी बात करेंगे, लिक्विड इन लिक्विड। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है और उस प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाएगा, तो देखिए पहले यहाँ पे पूरी सरफेस पे केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल थे, तो सारे सरफेस के पार्टिकल्स बोलिए ऊपर की तरफ जा सकते थे या नहीं जा सकते थे, मतलब वेपर में जा सकते थे। लेकिन अगर मैंने उसके अंदर कोई सोल्यूट ऐड कर दिया, तो अब देखिए कुछ कुछ ये ग्रीन वाले पार्टिकल दिख रहे, ग्रीन वाले पार्टिकल मतलब ये सोल्यूट के पार्टिकल्स भी सरफेस पे आ गए और इवेपोरेशन का जो या वेपर का बनने का जो फिनोमेना है वो सरफेस से ही हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेपर में जाने की टेंडेंसी होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स किसके भी आ गए, सोल्यूट के भी आ गए, तो अब जो सोलवेंट के पार्टिकल्स हैं उनकी वेपर में जाने की टेंडेंसी कम होगी। पहले सारी सरफेस उनके लिए अवेलेबल थी, अब उनके लिए कम सरफेस अवेलेबल है। तो राउट्स लॉ क्या कहता है हमारे पास, राउट्स लॉ हमारे पास कहता है कि अगर मान लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अगर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमारे पास पी नोट ए है, तो अगर मान लीजिए हमने कोई इसके अंदर कोई सॉल्यूट डाल दिया बी, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, मतलब ए का जितना अमाउंट रहेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर। वो डायरेक्ट बात सही भी है, क्योंकि अगर ए के पार्टिकल्स, ए का जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन रहेगा, ए मतलब सॉल्वेंट, जितना ज्यादा सॉल्वेंट का के पार्टिकल्स रहेंगे या मोल फ्रैक्शन रहेगा, उतने ही पार्टिकल सरफेस पे भी ज्यादा रहेंगे और सरफेस से वेपर में जाने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज, उसको हमने क्या कह दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो इसको कह दिया पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। तो इसको अगर हम प्रोपोर्शनलिटी बताते हैं तो आ जाता है पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए काई। ये हो गया हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज, ये हमारे पास आ गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए अगर आप काई ए की वैल्यू वन ले लेते हो, तो इसके मतलब तो आपके पास प्योर सॉल्वेंट ही हो गया, तो काई ए को अगर वन लिख दोगे तो पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए आ जाएगा, तो पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए मतलब वो तो प्योर सॉल्वेंट ही हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। तो अब बात करेंगे मेनली लिक्विड और लिक्विड को मिला रहे हैं, तो लिक्विड ए के अंदर आपने लिक्विड बी को मिलाया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है जो फॉलो करे राउट्स लॉ को, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है विच फॉलोज राउट्स लॉ, जो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा। राउट्स लॉ को फॉलो करेगा मतलब जिसके केस में पी की वैल्यू, पी ए की वैल्यू मानिए वो डायरेक्ट वो आए पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए काई, पी ए की वैल्यू पी नोट ए काई ए के बराबर आए, अगर ये इसके बराबर आ रही है तो वो राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन है। अगर मान लीजिए पी ए नॉट इक्वल टू पी नोट ए काई ए आता, तो इसका मतलब है कि ये राउट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। किसके बारे में बात हो रही है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, तो वो आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो इस केस में हमारे पास अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करनी है, तो एक बात का ध्यान देना है अगर हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है, तो एक बात का ध्यान देना है कि आपके पास जो आप ए और बी को मिला के आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हो, तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि ए और ए के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी, वो ही सिमिलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बी और बी के बीच में रहनी चाहिए और वही अट्रैक्टिव फोर्सेस ए और बी के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको इस तरीके समझिए कि इनडायरेक्टली आप ये समझिए कि आप ए और ए का बॉन्ड तोड़ रहे हो, बी और बी का बॉन्ड तोड़ रहे हो और ए बी ए बी के बॉन्ड बना रहे हो, तो इस बॉन्ड का जो अट्रैक्टिव फोर्स था और इस बॉन्ड का जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो इनके बराबर आना चाहिए, मतलब जो शुरू में अट्रैक्टिव फोर्सेस थी वो भी वही अट्रैक्शन बाद में होनी चाहिए। देखिए जो शुरू में ए और ए के बीच में इंटरेक्शन था और जो बी और बी के बीच में इंटरेक्शन था वही इंटरेक्शन ए बी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ए और बी के, ए और ए का बॉन्ड 5 जूल एनर्जी से टूट सकता है, यहाँ पे बी और बी का भी, तो इसको ऐसे समझिए ए और ए का बॉन्ड टूट रहा है, बी और बी का बॉन्ड भी टूट रहा है, ए बी के बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहाँ पे अगर ये भी 5 और ये भी 5, मतलब ये भी 5 एनर्जी 5 एनर्जी,
जूल में ले लीजिए, तो यहाँ पे 10 जूल एनर्जी देनी पड़ रही है और यहाँ पे 10 जूल एनर्जी रिलीज हो जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके का जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है, जिसमें इनिशियल अट्रैक्टिव फोर्सेस फाइनल अट्रैक्टिव फोर्सेस के बराबर आ जाए। तो इस केस में आपको एक बात समझ में आएगी कि देखिए ए और ए का बॉन्ड टूट रहा है, बी और बी का बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड तोड़ने में आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। तो मान लीजिए आपने 10 जूल एनर्जी दी और आपके पास ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो उनमें भी उतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे 10 जूल एनर्जी रिलीज होगी। तो ओवरऑल एनर्जी में कितना चेंज आया होगा, एंथैल्पी में कितना चेंज आया होगा, जीरो। तो इस केस में डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आती है, जीरो। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज हुई उतनी ही एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग में रिक्वायर्ड थी। ठीक है, अब क्या है, वॉल्यूम में कितना चेंज आया होगा कि भाई जो इनिशियल वॉल्यूम था इनका मिला के और जो फाइनल वॉल्यूम था सॉल्यूशन का, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि पहले जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी अभी भी वो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, पहले पार्टिकल से एक दूसरे के जितने पास रहते थे अब भी पार्टिकल से एक दूसरे के उतने पास है, तो उस केस में वॉल्यूम में भी कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, दो लिक्विड्स को आप मिला रहे हैं स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो गए, तो उस केस में हमारे पास डेल्टा जी कैसा हो गया, नेगेटिव। तो डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव आता है, और जो डेल्टा एस होता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी हो गया हमारे पास नेगेटिव, डेल्टा एच हमारे पास हो गया था जीरो, तो हमारे पास डेल्टा एस को क्या ही होना पड़ेगा, पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, तभी तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब हो गया आइडियल सॉल्यूशन में इनिशियल अट्रैक्टिव फोर्सेस फाइनल अट्रैक्टिव फोर्सेस के बराबर होती है। तो इसको समझने के लिए मैंने क्या बताया, ए और ए का बॉन्ड तोड़ रहे हो, बी और बी का बॉन्ड तोड़ रहे हो, इन दोनों का बॉन्ड तोड़ने में 5 और 5 10 एनर्जी यूज हो गई, 10। ठीक है, डेल्टा एच आपका जो बॉन्ड तोड़ने में लगा वो 10 जूल लग गया, तो बॉन्ड बनने में भी उतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब 10 और -10, तो ओवरऑल एंथैल्पी में कितने का चेंज आ गया, जीरो का, मतलब डेल्टा एच कितना हो गया, जीरो। ठीक है, पहले पार्टिकल जितना एक दूसरे के पास रहते थे अभी भी उतना ही पास है, इसका मतलब है कि उनके केस में वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आया होगा, तो डेल्टा वी की वैल्यू भी जीरो। ये जो हमारे पास इस तरीके के जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनके क्या एग्जांपल्स हैं, तो जिनके अंदर सेम तरीके के अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, जैसे हेक्सेन, हेप्टेन। ठीक है, नाम भी उनका सेम सा ही दिखेगा आपको, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, CCl4, SiCl4, बेंजीन, टोल्वीन, ये सब। ठीक है, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, तो जिनके नाम लगभग सेम से दिख जाते हैं वो लगभग सॉल्यूशंस हमारे पास कैसे ही होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब ये आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने दो सॉल्यूशंस, हमने दो लिक्विड्स को मिलाया ए और बी को, ठीक है, हमने दो को मिलाया ए और बी को, तो ए और बी को मिला के आपने एक आइडियल सॉल्यूशन बना लिया। तो सपोज करिए यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था, ठीक है, ए और बी को मिला के आपने एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया। तो ए और बी के केस में आइडियल क्यों कहा मैंने उसको, क्योंकि वो किसको फॉलो कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ को। तो अब ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो काई ए है, बी का है वो काई बी है, तो ये जो मोल फ्रैक्शन है वो है इन लिक्विड फेज, इन लिक्विड फेज, लिक्विड के अंदर ए और बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो काई ए और काई बी है। अब ए और बी के वेपर में जाने की भी टेंडेंसी है, तो उनमें उनका जो मोल फ्रैक्शन है वो मैं कह देता हूँ वाई ए और वाई बी। तो ये हो गया वेपर फेज, ये क्या हो गया, वेपर फेज। अब मैं कहूँ कि पी ए की वैल्यू बताओ, तो भाई राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। पी बी की वैल्यू बताओ, तो पी बी की वैल्यू पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। तो पी ए आ गया पी नोट ए का ही है, पी बी आ गया पी नोट बी का ही भी। तो पी टोटल कैसे लिखेंगे, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, जो कि आ जाएगा पी नोट ए का ही है प्लस में पी नोट बी का ही भी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पी टोटल। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया पी टोटल, और पी टोटल हमने इस तरीके से लिख लिया है कि पी टोटल आ गया हमारे पास पी नोट ए का ही है प्लस पी नोट बी का ही भी। अब अगर मान लीजिए ये जो हमारे पास वेपर वाला पार्ट था, ये जो हमारे पास वेपर वाला पार्ट था, ये जो हमारे पास वेपर वाला पार्ट था, वेपर वाला पार्ट था, अगर उसमें मैं डाल्टन लॉ अप्लाई करूँ, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी टोटल इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज या गैस फेज। तो पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इन टू वाई ए, ये वेपर पे लगता है, गैस पे लगती है बात, ध्यान रखना गैस पे लगती है बात। तो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर फॉर गैस के लिए होता है ना, तो गैस फेज पे लगेगी है। तो यहाँ पे तो था काई ए काई बी और यहाँ पे क्या था वाई ए वाई बी, तो हमारे पास डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए और पी बी इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई बी। तो देखिए, एक आपने पी ए
की वैल्यू ऊपर भी लिखी थी, तो अब हमारे पास आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए। ये कहाँ से आया आपके पास? राउट्स लॉ से। ये आया हमारे पास राउट्स लॉ से। और एक आ गया पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इन टू वाई ए, ये हमारे पास किससे आ गया? डाल्टन्स लॉ से। तो अगर इन दोनों को हम इक्वेट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा पी नोट ए काई ए इज इक्वल टू पी टोटल इन टू वाई ए। ठीक है, पी टोटल इन टू वाई ए। अब जो काई ए है वो तो हमारे पास है किसमें? लिक्विड फेज में, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। और ये हमारे पास किसमें? वेपर फेज, वेपर फेज। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो, सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो पी नोट बी काई बी इज इक्वल टू पी टोटल इन टू वाई बी। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दो दो क्वेश्चन इसी रिलेशन पे एग्जाम में पूछे गए थे 2019 में, दो क्वेश्चन इसी रिलेशन पे एग्जाम में पूछे गए थे 2019 में। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान से इसको समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान से इसको समझ लेना। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब हो गए विच डू नॉट फॉलो राउट्स लॉ। पहली बात तो ये हो गई कि जो किसको फॉलो ना करे, राउट्स लॉ को फॉलो ना करे, विच डू नॉट फॉलो राउट्स लॉ। अब की बार जो सॉल्यूशन होंगे वो किसको फॉलो नहीं कर रहे? वो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। तो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे इसका मतलब हो गया कि अब की बार जो पी ए की वैल्यू होगी, अब की बार जो हमारे पास पी ए की वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू आएगी पी नॉट ए काई ए के। तो पी ए की वैल्यू अब की बार बराबर नहीं आएगी पी नॉट ए काई ए के। तो अब की बार जो हमारे पास पी ए की वैल्यू आएगी, या तो वो ज्यादा आ सकती है, भाई बराबर तो आ नहीं रही, तो या तो ज्यादा आ सकती है पी नॉट ए काई ए के, या फिर पी ए की वैल्यू जो आ सकती है वो कम आ सकती है किससे? पी नोट ए काई ए से। ठीक है, या तो ज्यादा वैल्यू आ सकती है या कम वैल्यू आ सकती है। तो अब इस वाले केस में बात करें तो देखिए ये वाला कब होगा? तो अगर ज्यादा वैल्यू आ रही है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और अगर हमारे पास पी ए की वैल्यू कम आ रही है तो उसको कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। उसको क्या कह देते हैं बेटा? नेगेटिव डेविएशन। तो देखिए ये कैसे, अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आ गई, तो देखो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आ गई इसका मतलब है कि वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा हो गई। वेपर में जाने की टेंडेंसी जो एक्सपेक्टेड था राउट्स लॉ से, उससे ज्यादा हो गई। तो वो ज्यादा कैसे हुई होगी? वेपर में कब ज्यादा जाएगा? जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया इस केस में जो ए और ए था और जो बी और बी था, उनकी अट्रैक्टिव फोर्स ए बी और ए बी के कंपेरिजन में ज्यादा थी। तो इनिशियल अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा थी, फाइनल अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गई। अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गई तो वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा हो गई, तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ गया इस केस में। और समझिए, अगर मान लीजिए इनिशियली अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा थी तो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगी और फाइनल एनर्जी जो रिलीज हुई वो कम हुई, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो डेल्टा एच है वो भी क्या आ गया? पॉजिटिव। तो देखो सब पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर का निशान लगा देना इस तरफ। और इनिशियली पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा थी, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा थी तो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करा होगा। पार्टिकल जितना अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को उतना पास आ जाते हैं, तो वॉल्यूम कम हो जाता है। और फाइनली ए और बी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गई तो उनका वॉल्यूम क्या हो गया? ज्यादा। तो उस केस में हमारे पास डेल्टा वी भी क्या आ जाएगा? ज्यादा, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम ज्यादा था, इनिशियल वॉल्यूम कम था। इस वाले केस में क्या है? नेगेटिव डेविएशन में। नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर एक्सपेक्टेड से कम आया, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आना चाहिए था उससे कम आया। तो पार्शियल प्रेशर कम आया इसका मतलब क्या हो गया कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो गई फाइनली। तो ए और ए के अट्रैक्टिव फोर्स और बी के अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स हो गई किसकी? ए बी और ए बी की। तो इसका मतलब है कि बॉन्ड तोड़ने में तो एनर्जी थोड़ी लगी और एनर्जी रिलीज ज्यादा हो गई। तो यहाँ से डेल्टा एच भी नेगेटिव और डेल्टा वी भी नेगेटिव, दोनों वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि पार्टिकल्स अब एक दूसरे के पास आ गए तो फाइनल वॉल्यूम कम हो गया। इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था, फाइनल वॉल्यूम कम हो गया, तो आपको समझ में आना चाहिए। फाइनल वॉल्यूम कम हो गया तो हमें क्या समझ में आना चाहिए? कि हमारे पास फाइनल वॉल्यूम कम हो गया, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था, तो चेंज इन वॉल्यूम कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल की। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हो गया हमारे पास कि हमारे पास फाइनली जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाए, फाइनली है जो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाए। तो इसके एग्जाम्पल को ध्यान रखना है, तो दो तरीके से मैं याद करने का बताता हूँ आपको अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाए उसको याद करने का तरीका क्या है। कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि एच बॉन्डिंग, सबसे पहले आप ये देखो कि एच बॉन्डिंग के साथ लेस और नो एच बॉन्डिंग वाला हो, लेस और नो एच बॉन्डिंग वाला हो। ठीक है, तो एच बॉन्डिंग के साथ अगर लेस या नो एच बॉन्डिंग वाला होगा
तो पॉजिटिव डेविएशन में आएगा। कैसे? क्योंकि जिसमें एच बॉन्डिंग बढ़िया हो रही होगी उसके पार्टिकल्स, जैसे एच टू ओ के पार्टिकल्स दूसरे एच टू ओ के पार्टिकल्स के साथ अच्छे से एच बॉन्डिंग कर रहे हैं, आपने उसमें इथेनॉल डाल दिया, तो इथेनॉल क्या करेगा, इस पानी के बीच बीच में आ जाएगा, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में, और पानी के मॉलिक्यूल्स ने जो आपस में एच बॉन्डिंग कर रखी थी उसको तोड़ देगा, तो फाइनल जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हो गई वो कम हो गई। ठीक है, तो देखिए एच टू ओ में एच बॉन्डिंग बढ़िया होती है, इथेनॉल में उतनी नहीं होती। एच टू ओ में अच्छी एच बॉन्डिंग होती है, मिथेनॉल में उतनी नहीं होती। इथेनॉल में एच बॉन्डिंग होती है, बेंजीन में नहीं होती। इथेनॉल में एच बॉन्डिंग होती है, क्लोरोफॉर्म में नहीं होती। इथेनॉल में एच बॉन्डिंग होती है, एनेक्सेन में नहीं होती। तो आपके सामने यहाँ पे मैंने वो एग्जांपल लिखे हैं जहाँ पे एक अच्छी एच बॉन्डिंग कर रहा है, दूसरा उसके कंपैरिजन में या तो कर ही नहीं रहा या फिर बहुत कम कर रहा है, तो ये किसमें आएगा, पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा आएगा, दूसरा आप ये देख लो, पोलर प्लस नॉन पोलर, पोलर प्लस नॉन पोलर। ठीक है, तो आप केमिकल बॉन्डिंग से पोलर नॉन पोलर डाइपोल मोमेंट निकालना जानते हैं, तो पोलर वाले मॉलिक्यूल्स जैसे एसीटोन के पार्टिकल्स एसीटोन को अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, बेंजीन वाले पार्टिकल्स बेंजीन को, लेकिन अगर उनको मिला दिया आपस में तो पोलर और नॉन पोलर के बीच में उतना ज्यादा अच्छे से अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, तो वो कैसे में आ जाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन, फाइनल अट्रैक्शन कम हो गया। एक ये एग्जाम्पल आपको लर्न कर लेना है, बाकी उसी से आपके पास सारे सही हो जाएंगे, बाकी उसी से हो जाएगा, बेंजीन प्लस सीसीएल फोर वाला आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, कि ये भी एक पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, बाकी तो इस कैटेगरी में आ जाएगा, एच बॉन्डिंग और लेस एच बॉन्डिंग या फिर पोलर और नॉन पोलर। नेगेटिव डेविएशन में क्या है कि फाइनली जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो कम होनी चाहिए, तो इसके केस में क्या आएगा कि नो एच बॉन्डिंग वाला, नो एच बॉन्डिंग वाला जो आपस में खुद के पार्टिकल साथ एच बॉन्डिंग नहीं कर रहा और दूसरा भी नो एच बॉन्डिंग वाला मिलकर एच बॉन्डिंग कर ले, आपस में क्या कर ले, एच बॉन्डिंग कर ले, दो क्लोरोफॉर्म के पार्टिकल खुद के साथ, तो नो एच बॉन्डिंग वाले और नो एच बॉन्डिंग वाले आपस में क्या कर ले, एच बॉन्डिंग कर ले, आपस में क्या कर ले, एच बॉन्डिंग। तो देखिए क्लोरोफॉर्म का पार्टिकल क्लोरोफॉर्म के साथ एच बॉन्डिंग नहीं कर सकता, एसीटोन एसीटोन के साथ नहीं कर सकता, लेकिन ये आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं, एच बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपस में क्या कर पाएंगे, ये एच बॉन्डिंग कर पाएंगे, जैसे क्लोरोफॉर्म है CHCl3, एसीटोन है सी डबल बॉन्ड ओ CH3CH3, तो ये क्लोरोफॉर्म अपने मॉलिक्यूल के साथ एच बॉन्डिंग नहीं कर सकता, एसीटोन अपने खुद के मॉलिक्यूल के साथ एच बॉन्डिंग नहीं कर सकता, लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया तो इनके बीच में क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। तो फाइनल अट्रैक्टिव फोर्सेज क्या हो गई, फाइनल अट्रैक्टिव फोर्सेज ज्यादा हो गई, फाइनल अट्रैक्टिव फोर्सेज ज्यादा होगी तो कैसा डेविएशन दिखाएंगे, नेगेटिव डेविएशन। दूसरा क्या होता है नेगेटिव डेविएशन में, कि आपको एक एसिड दिख जाए, ये याद रखने का तरीका है, और साथ में क्या दिख जाए, पोलर सोलवेंट, एसिड के साथ क्या दिख जाए, पोलर सोलवेंट। जनरली एसिड HClHNO3 एसिटिक एसिड, कोई भी एसिड के साथ पोलर सोलवेंट दिख जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसका एग्जाम्पल है, नेगेटिव डेविएशन का। जैसे इसमें एक लर्न करना था, इसमें भी एक लर्न करना है, बाकी सारे के सारे आप कर लोगे, बाकी सारे के सारे आपको मैंने बता दिए कि पॉजिटिव डेविएशन में आपको देख लेना है पोलर नॉन पोलर वाला, पॉजिटिव डेविएशन में देख लेना है पोलर नॉन पोलर या एच बॉन्डिंग और लेस एच बॉन्डिंग वाला, नेगेटिव डेविएशन में नो एच बॉन्डिंग और नो एच बॉन्डिंग वाले एच बॉन्डिंग करने लग जाए, या फिर आपको एसिड और पोलर सॉल्वेंट दिख जाए। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन के साथ CCl4, वहाँ पे बेंजीन के साथ CHCl3, इसको ऐसे भी याद रख लेते हैं। नेगेटिव डेविएशन में एक Cl कम हो गया, ठीक है, नेगेटिव मतलब डिक्रीज, तो एक Cl कम हो गया, यहाँ पे CCl4 था, वहाँ पे CHCl3 आ गया, दोनों किसके साथ है, बेंजीन के साथ। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि ए और बी लिक्विड हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, ए और बी लिक्विड हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, ए और बी लिक्विड ने आइडियल सॉल्यूशन बनाए, वेपर प्रेशर हमें दे रखा है प्योर ए का, तो पी नोट ए की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 7000 पास्कल, और पी नोट बी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 12000। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि द कंपोजिशन ऑफ द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन कंटेनिंग, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज पूछ रहा है, ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, 40 मोल परसेंट ऑफ ए, इसका मतलब हो गया मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100 इज इक्वल टू 40, मोल परसेंट ऑफ ए का मतलब ये हो गया ना, तो हमारे पास ये दे रखा है, तो Na/Nt मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू 100 इज इक्वल टू 40, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा XA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4। XA XB क्या होंगे हमारे पास, XA XB हमारे पास हो जाएंगे लिक्विड फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन, ये हमें मान के चलना है लिक्विड फेज के अंदर, तो ये हमारे पास कितना आ गया 0.4, तो ये XB कितना आ जाएगा हमारे पास, या काई भी कितना आ जाएगा 0.6।
अब हमसे क्या पूछ रहा है, कंपोजिशन ऑफ वेपर पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि पी टोटल निकालो, तो पी टोटल क्या होता है, पी नोट ए काई है प्लस में पी नोट बी काई भी, तो पी टोटल निकाल लो। पी नोट ए कितना दे रखा है, पी नोट ए 7000, 7000 इंटू 0.4 12000 इंटू 0.6, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2800, ये कितना आ गया 7200, तो पी टोटल कितना आ गया हमारे पास, पी टोटल आ गया हमारे पास 10000। अब हमें एक बात का पता है कि पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए और पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए, ये अभी पढ़ा था, पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, पी नोट ए काई ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए, ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा आपसे, तो यहाँ पे हमारे पास वाई ए निकालना है, तो वाई ए क्या आ जाएगा हमारे पास, पी नोट ए काई ए अपॉन में पी टोटल, अपॉन में पी टोटल, पी नोट ए काई ए, पी नोट ए काई ए कितना हो गया 2800, ये कितना हो गया हमारे पास 10000, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 0.28। तो हमारे पास 0.28 क्या आ गया, वाई ए की वैल्यू, और हमारे पास वाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.72, कितनी आ जाएगी 0.72। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, डी। देखो इन्होंने इसको एक्स ए एक्स बी लिख रखा है, तो वो तो इनकी नोटेशन है, कुछ भी माने, हमने उसको वाई ए वाई बी मान के कैलकुलेट कर लिया। तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था, वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिक्विड एम ओ एन एक आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, तो पी नोट एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 450 और पी नोट एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 700, ठीक है, एम एम ऑफ एच जी। अब हमें क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जिसके अंदर कुछ कुछ स्टेटमेंट हमें गिवन है। तो हमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि हाँ, काई एम और काई एन क्या हो गए, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और वाई एम और वाई एन क्या हो गए, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि हमें ये दिख रहा है कि हमारे पास पी नोट एन की वैल्यू जो प्योर एन है उसकी वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसका मतलब हो गया कि वेपर जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर जो आएगा, ध्यान रखना, वेपर में बनाने की टेंडेंसी है वो किसकी ज्यादा होगी, एन की ज्यादा होगी। तो एन की ज्यादा होगी तो वेपर में जाने की टेंडेंसी एन की ज्यादा होगी, तो वेपर में किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, भाई वेपर में देखो ना, इसकी 700 एम एम एच जी है, उसकी 450 है, तो वेपर में जाने की टेंडेंसी एन की ज्यादा है। तो यहाँ से समझ में आना चाहिए कि वाई एन की वैल्यू वाई एन एम से ज्यादा होगी, वाई एन की वैल्यू वाई एम से ज्यादा होगी। तो अगर मान लीजिए वेपर में जाने की टेंडेंसी एन की ज्यादा है, तो सोल्यूशन फेज में कौन ज्यादा रह जाएगा, तो सोल्यूशन फेज में एम ज्यादा रह जाएगा। तो उस केस में हमें समझ में आएगा एक्स एम ज्यादा है एक्स एन से, तो वाई एन ज्यादा है वाई एम से और एक्स एम ज्यादा है एक्स एन से। तो अब इसके अंदर ऑप्शंस मैच कर लेंगे, तो देखो एक्स एम अपॉन एक्स एन और वाई एम अपॉन वाई एन, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा, देखो वाई एन की वैल्यू ज्यादा है, वाई एन की वैल्यू मोर है, तो अगर ये वैल्यू मोर है तो ये ओवरऑल वैल्यू कम हो गई, यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा है तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई, तो ओवरऑल जो आएगा एक्स एम अपॉन एक्स एन इज ग्रेटर देन वाई एम अपॉन वाई एन। तो ये ध्यान रखना था, मैं जिसकी वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो उसका वेपर में मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा आएगा, तो वाई एन की वैल्यू वाई एम से ज्यादा आएगी क्योंकि वेपर में जाने की टेंडेंसी एन की ज्यादा है। अगर एन की वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है तो सोल्यूशन फेज में कौन ज्यादा हो जाएगा, एम ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके का क्वेश्चन है जो भी हमने डिस्कस किया था कि प्योर ए और प्योर बी है, उनका वेपर प्रेशर हमें 400 और 600 दे रखा है, उन दोनों को मिलाया तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम बराबर आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम बराबर आ गया, तो डेल्टा वी जीरो, मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। मोल फ्रैक्शन बी का लिक्विड फेज में 0.5 है, मोल फ्रैक्शन बी का लिक्विड फेज में 0.5 है, तो हमें काई बी की वैल्यू कितनी, काई ए की वैल्यू भी 0.5 आनी चाहिए, काई बी का मोल फ्रैक्शन 0.5 है तो हमारे पास काई ए भी 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू या पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस में पी नोट बी काई बी, पी नोट ए काई ए, पी नोट ए की वैल्यू 400
काई ए की वैल्यू 0.5, पी नोट बी की वैल्यू 600.5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 300, तो पी टोटल कितना आ गया 500। अब हमें फिर से वही रिलेशन लगाना है कि पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए और पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पी नोट ए काई ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए, तो वाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी नोट ए काई ए अपॉन में पी टोटल। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, वाई ए की, और 1 माइनस वाई ए का मतलब हो जाएगा आपके पास वाई बी, तो यहाँ से आपके पास पी टोटल आ जाएगा 500 और आपके पास वाई ए की वैल्यू आ जाएगी 0.4 और वाई बी की वैल्यू आ जाएगी 0.6, तो इसको हम सोल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 35 डिग्री सेल्सियस पे, 2020 का क्वेश्चन है, जनवरी में आया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर CS2 का 512 है, एसीटोन का 344। अब देखो CS2 प्लस एसीटोन, पहले तो एक बात बताओ कि अगर इन दोनों के बारे में बात करें तो ये कैसा है बताइए, पोलर कंपाउंड है, ये कैसा है, नॉन पोलर कंपाउंड है। जैसे CO2 नॉन पोलर होती है वैसे CS2 भी कैसा है, नॉन पोलर, पोलर प्लस नॉन पोलर, बताओ कैसा डेविएशन, कैसा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बताओ इसमें राउट्स लॉ ऑब्वे होगा क्या, राउट्स लॉ ऑब्वे होगा क्या, इसमें से कुछ है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, तो पहले तो कह रहे हैं राउट्स लॉ नहीं ऑब्वे होगा, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव डेविएशन है तो राउट्स लॉ ऑब्वे नहीं होगा, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, ये तो स्टेटमेंट कैसी है, सही स्टेटमेंट दे दी। CS2 एंड एसीटोन आर लेस अट्रैक्टिव टू ईच अदर, बिल्कुल सही बात है, फाइनल अट्रैक्टिव फोर्सेज क्या हो जाएंगे, कम, भाई पोलर वाला पोलर को अट्रैक्ट कर रहा होगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर का मिला दिया तो उनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगी। हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब, तो बताइए इसके केस में जो डेल्टा एच की वैल्यू आती है पॉजिटिव आती है, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, ये भी सही है, ठीक है। इनके 100-100 ml को मिलाया तो फाइनल वॉल्यूम 200 से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसका डेल्टा वी भी पॉजिटिव होता है, तो डेल्टा वी अगर इसका ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब हो गया वी फाइनल आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 200 होना चाहिए था, ग्रेटर देन 200 ml होना चाहिए था, वी फाइनल आपके पास ग्रेटर देन 200 ml होना चाहिए था, तो इस केस में हमारे पास ये स्टेटमेंट है जो फॉल्स स्टेटमेंट दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पुराना क्वेश्चन है लेकिन मैंने फिर इसलिए सिर्फ डेविएशन बताने के लिए आपके सामने लिख दिया कि इनके एग्जाम्पल भी पूछे हुए एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शोज ए पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखा एसिड प्लस पोलर सोलवेंट, यहाँ पे भी एसिड प्लस पोलर सोलवेंट, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है बताओ, नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, नो एच बॉन्डिंग प्लस नो एच बॉन्डिंग गिव्स एच बॉन्डिंग, ये भी किसका एग्जाम्पल है, नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। तो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल क्या बचा, बेंजीन प्लस मिथेनॉल, तो बेंजीन हमारे पास हो गया नो एच बॉन्डिंग वाला, मिथेनॉल हमारे पास हो गया एच बॉन्डिंग वाला, नो एच बॉन्डिंग प्लस एच बॉन्डिंग क्या शो करता था, हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन शो करता था, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। नेक्स्ट हम लास्ट बात करते हैं इस टॉपिक में, सॉलिड्स की को मिला दिया लिक्विड के अंदर, तो गैस को भी लिक्विड में मिला के पढ़ लिया, लिक्विड को भी लिक्विड में मिला के पढ़ लिया, आप बनाते हैं सॉलिड को लिक्विड के अंदर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, जब कोई हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या कि ये प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टी होती है विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जो किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, उन प्रॉपर्टीज को क्या नाम दिया गया है, उन प्रॉपर्टीज को नाम दिया गया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास कौन कौन सी बातें आती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हैं, तो ध्यान रखना कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, हम क्या डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड, ठीक है, इन लिक्विड हम लिक्विड के अंदर क्या ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, मतलब जो वेपर में ना जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वेपर प्रेशर में लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो अगर आपके पास कोई प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए है, आपने उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो आपके पास राउट्स लॉ से आपने अभी पढ़ा था कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स किसके भी आ जाएंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, तो आपके पास जो आपके पास वेपर प्रेशर प्योर ए का था वो कितना था, प्योर ए का वेपर प्रेशर कितना था, पी नोट ए, आपने उसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो कितना हो गया, पी नोट ए का ही है,
तो आपके पास कितना डिक्रीज हो गया, पहले था पी नोट ए अब हो गया पी नोट ए काई ए, तो कितना डिक्रीज हो गया, पी नोट ए माइनस पी नोट ए काई ए, तो वो वैल्यू आ गई पी नोट ए काई बी के बराबर। तो ध्यान रखना लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड, का मतलब क्या है, जो केवल किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। ध्यान रखना अब भी जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो ए का मतलब हो गया सोलवेंट और बी का मतलब हो गया सोल्यूट। तो देखिए ये किस पे भी डिपेंड कर रही है, ए पे भी डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है, ए पे भी डिपेंड कर रही है। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज वो सोलवेंट पे भी डिपेंड करती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो अब इसमें रिलेटिव लोवरिंग की बात कर लेते हैं, तो इसको पी नोट ए से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, काई बी। तो बी क्या है हमारे पास, सोल्यूट है, तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो गया, काई भी। तो ये सीधा सीधा समझ में भी आता है, आपके पास पहले कोई प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर कम हो गया होगा, क्योंकि सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी आ गए, अब वेपर प्रेशर कम हो गया है, तो इसी को अब उसके बाद रिलेटिव लोवरिंग निकाल ली। तो ये एक कैसी प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि अगर आपने ज्यादा सॉल्यूट डाल दिया, अगर आप ज्यादा सॉल्यूट डालते गए तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स किस पे आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, तो वेपर प्रेशर और लो होता चला जाएगा, और लो होता चला जाएगा, और लो होता चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है आपको, ठीक है, कि ये किस पे डिपेंड करिए, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आप ये बात समझिए, अगर आप आपके पास वेपर प्रेशर कम हो गया, पहले प्योर सॉल्वेंट था वेपर प्रेशर ज्यादा था, अब आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अगर वेपर प्रेशर किसी का कम हो जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, तो इस केस में क्या हो जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आपके पास वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन होता है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, एम होता है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। ठीक है, बेसिक से ये पता होगा आपको, एलिवेशन हो रहा है तो ये हो गया आपके पास, आपके पास ये क्या हो गया, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, टी बी नॉट सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट, के भी होता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, जिसका फॉर्मूला इस तरीके से लिखा हुआ है हमने। ठीक है, के भी की वैल्यू कितनी होती है पानी के लिए, 0.52, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो उससे वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और वेपर प्रेशर जितना कम होता है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, जिस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, उसी तरीके से आप ये भी समझ सकते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, सिमिलर तरीके का एक्सप्रेशन है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट क्या था, यहाँ पे अगर कम हो रहा है तो सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन को घटाते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन ये देख लेना, पानी के लिए कितनी वैल्यू होती है, 1.86। नेक्स्ट आता है ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर का क्या है, देखिए हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, मान लीजिए उसका वेपर प्रेशर 10 है, 10 मान लेते हैं। ठीक है, और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम हो गया होगा, तो सपोज करिए उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, 8 हो गया। तो इधर का वेपर प्रेशर 10 है, इधर का 8 है, तो बताइए सॉल्वेंट के पार्टिकल्स किधर से किधर फ्लो करेंगे, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन, तो सॉल्वेंट वाले जो डब्बा है उस वाले डब्बे से किस तरफ जा रहे होंगे हम, सॉल्यूशन वाले कंटेनर या बीकर की तरफ जा रहे होंगे, डब्बे की तरफ जा रहे होंगे। तो यहाँ का वेपर प्रेशर 10 था, इधर का 8 था, तो आपके पास हाई प्रेशर टू लो प्रेशर किसका फ्लो होता है, सॉल्वेंट का फ्लो, तो सेमी परमियेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ का 10 था, यहाँ का 8 था, अगर इसके फ्लो को रोकना है तो मुझे इस तरफ कितना प्रेशर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, 2 प्रेशर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, 2 एटीएम। तो ये जो 2 होता है ना, जो आपने बाहर से लगाया जिससे ओस्मोसिस बंद होगी, क्यों बंद होगी, क्योंकि इधर का भी अब कितना हो गया, 8 और 2 10 हो गया, और उधर का भी कितना था, 10 था, तो अब क्या हो गया, ओस्मोसिस बंद हो गई। तो जितना आप ये बाहर से प्रेशर लगा रहे हो जिससे ओस्मोसिस बंद हो जाए, उसको क्या कहते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर, उसको क्या कहते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर। ये भी एक तरीके का क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसका फॉर्मूला क्या आता है, पाई इज इक्वल टू ओस्मोटिक प्रेशर होता है, जिसकी फॉर्मूला आता है सीआरटी, पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इनटू आरटी। अब अगर हमें कभी बोले आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ओस्मोटिक प्रेशर सेम हो, तो दो सॉल्यूशंस जिनका ओस्मोटिक प्रेशर सेम हो, तो उस केस में क्या कह देंगे हम कि पाई 1 और पाई 2 बराबर है, तो वो हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर पाई 1 बड़ा है पाई 2 से, तो जो बड़ा वाला होगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो हो गया हाइपरटोनिक, और जिसका कम हो गया वो होगा हाइपोटोनिक। बहुत बेसिक है, इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आसान सा बन सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने बाहर से जो वेपर प्रेशर लगाया वो 2 से ज्यादा लगा दिया, मान लीजिए आपने 4 का लगा दिया, तो इधर का कितना हो गया, 12 हो गया, और उधर का 10 हो गया, तो अब की बार डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी,
तो उसको क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। जो RO वगैरह लगे होते हैं ना पानी प्योरीफाई करने के लिए, वो यही होते हैं, इसी पे काम करते हैं। अब हमने जो पढ़ा कि हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। तो मैंने क्या किया कि पानी के अंदर NaCl डाला, मैंने पानी के अंदर एक NaCl डाला, लेकिन पानी में जाने के बाद वो दो में कन्वर्ट हो गया, एक Na बन गया और दो Cl बन गया, तो पार्टिकल्स कितने हो गए, दो। तो मैंने तो पार्टिकल्स कितने डाले थे, एक, और वहां जाके कितने बन गए, दो। तो अब हमें इस बात को भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो आंसर निकालूंगा कॉपी पे वो निकालूंगा पार्टिकल को एक समझ के, लेकिन एक्चुअल सॉल्यूशन में पार्टिकल कितने बन गए, दो। तो जो एक्सपेरिमेंटल आंसर आएगा वो दो के अकॉर्डिंग आएगा। तो ध्यान रखना है कि अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद, या सॉल्यूट जो हम डाल रहे हैं वो सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद टूट तो नहीं रहा है, एसोसिएट तो नहीं हो रहा है, या फिर डिसोसिएट तो नहीं हो रहा है। क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर एसोसिएट और डिसोसिएट होगा तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। इसीलिए सबके केस में हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आई होता है हमारे पास वेंटो फैक्टर। तो देखिए सबके फॉर्मूले में आई की टर्म आ गई, आई की टर्म आ गई, आई की टर्म आ गई। तो सबके फॉर्मूले, जो भी हमारे पास चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, सब में आई मल्टीप्लाई हो गया। आई की कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास आई की कैलकुलेशन देखिए कैसे करनी है। आपके पास कोई भी ए पार्टिकल है जिससे एन बी पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो ये है कि आपके पास स्टोइशोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड, स्टोइशोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ रिएक्टेंट इज वन। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास एन की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास एन की वैल्यू है, ये जो एन। तो अगर हमारे पास ये एक है तो जितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसको क्या कहेंगे, एन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, एन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये वन था, ये कुछ नहीं, यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया वन माइनस एल्फा, एल्फा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, आई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबके लिए इसी से बता दूंगा, वन माइनस एल्फा, तो ये कितना बन गया, एन एल्फा। तो देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बन गए, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बन गए, ये तो हो गया वन माइनस एल्फा, वो क्या हो गया, एन एल्फा। तो आप इसको लिख सकते हो वन प्लस एन माइनस वन एल्फा, तो आ जाएगा आई की वैल्यू क्या आ गई, आई की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू आ गई वन प्लस एन माइनस वन एल्फा। तो आई है हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एक पार्टिकल टूट जाएगा, ठीक है, तो वो आ गया i इज इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन एल्फा, और n की वैल्यू क्या है, स्टोइशोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड स्टोइशोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज वन। तो अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, सबसे पहले बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, जो इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, सबसे पहले बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका तो एल्फा कितना हो गया बताइए, जीरो, क्योंकि वो तो डिसोसिएट ही नहीं करेगा, तो उस केस में आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। जैसे यूरिया, जैसे ग्लूकोज, तो जैसे आपको यूरिया गिवन हो क्वेश्चन में, ग्लूकोज गिवन हो, इस तरीके का कोई भी, या इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, जनरली ये गिवन होते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, ये गिवन हो तो आप उस केस में क्या कह सकते हैं कि भाई ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके केस में हमारे पास, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके केस में हमारे पास आई की वैल्यू वन ही रहेगी, मतलब एक पार्टिकल एक ही रहेगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट ले लूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइट ले लूँ, आप उसके केस में आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आई आ जाएगा वन प्लस एन माइनस वन एल्फा, और आप एल्फा की वैल्यू, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वन हो गई किसके लिए, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आप क्या वैल्यू ले लेना, वन ले लेना, ठीक है, एल्फा की वैल्यू वन ले लेना, और एल्फा लेस देन वन ले लेना जब आपको क्या गिवन हो क्वेश्चन में, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो लेस देन वन क्या ले, वो सवाल में गिवन होगा, सवाल में गिवन हो 50% है एल्फा, तो आप एल्फा को 0.5 ले लेना, 60% है 0.6 ले लेना, वो डिपेंड कर जाता है क्वेश्चन पे, ठीक है। तीसरा क्या होता है, ये तो हो रहे थे डिसोसिएट, ये तो अभी हमने बात करी इलेक्ट्रोलाइट था जो कैसा हो रहा था, डिसोसिएट हो रहे थे, क्या हो रहे थे, डिसोसिएट। अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसी कंडीशन आ जाए, अगर मेरे पास ऐसी कंडीशन आ जाए, जैसे इसमें इलेक्ट्रोलाइट में देखो, इसमें तो ध्यान रखना डिसोसिएट वाले में HCl, H2SO4, KCl, NaCl, ठीक है, इनका जनरली एल्फा की वैल्यू वन होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड्स जो आपने पढ़े हैं CH3COH के लिए एल्फा की वैल्यू लेस देन वन होती है, ठीक है, तो ये इस तरीके का एग्जांपल देगा। तीसरा मेरे को अब पढ़ना है कि जब हमारे पास क्या होने लगे, एसोसिएट होने लगे, एसोसिएट होंगे तो देखिए क्या कहानी होगी, एसोसिएट होंगे तो एन पार्टिकल से एक पार्टिकल बनेगा, ठीक है, एन ए से ए एन बन गया, तो एक से कितना बन रहा होगा, वन बाई एन ए एन, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वन प्लस, एक से कितना बन रहा है,
हमारे पास फॉर्मूला ये होता था, याद है आपको, 1 + n - 1 α। तो बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, मॉडिफाई करके आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1/n - 1 α, या आप इसको बीटा कह दीजिए, क्योंकि बीटा क्या हो गया आपकी बार, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। बीटा क्या हो गया, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। वन की जगह 1/n क्यों आया, क्योंकि हमारे पास, मैंने क्या बोला था, कि ये जो n है वो किसको बताता है, वो n बताता है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास, कितने हमारे पास स्टोइशोमेट्रिक कोफिशिएंट है प्रोडक्ट्स का, प्रोवाइडेड स्टोइशोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर एन ए से ए एन बन रहा है, तो अगर यहाँ 1 होता तो कितना बनता, 1/n, तो उसकी जगह बस 1/n कर देना, एसोसिएट हो जाते हैं। एसोसिएशन वाला क्या आएगा, अगर आप CH3COOH की बात करेंगे, एसिटिक एसिड इन बेंजीन, तो वो क्या करता है, एसोसिएट कर जाता है, ठीक है, एच बॉन्डिंग की वजह से, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और बेंजोइक एसिड भी, बेंजोइक एसिड भी बेंजीन के अंदर एसोसिएट कर जाता है एच बॉन्डिंग। तो उनके केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, इनके केस में हमारे पास आई की वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी, क्योंकि क्या हो रहे हैं, एसोसिएट। तो जब एसोसिएट होते हैं तो आई की वैल्यू 1 से कम आती है। इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिसोसिएट हो रहे थे तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही थी। ध्यान रखना, अगर CH3COOH या फिर बेंजोइक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड वाटर में दे रखे हैं ना, वाटर में, तो डिसोसिएट ही होंगे, तो उनके आई की वैल्यू 1 से ज्यादा ही आएगी। लेकिन अगर बेंजीन में दे रखे हैं तो क्या हो जाएंगे, एसोसिएट, ठीक है। तो अब हमने सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख ली, और उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे बेस्ड अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, K2HgI4 40% आयोनाइज हो गया एक्वस सॉल्यूशन में, K2HgI4। तो ये एक इस तरीके का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इसके अंदर अगर मैं कहूँ पार्टिकल्स किस तरीके से, तो 2K+ + HgI4, 2K+ और HgI4 2- बनता है, ठीक है, 2K+ और HgI4 2-। तो यहाँ पे एक पार्टिकल, अगर ये एक है तो इससे कितने पार्टिकल मिल रहे हैं, 3। तो n की वैल्यू तो कितनी हो गई, 3। तो i की वैल्यू कैसे निकालनी है, वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो i की वैल्यू कैसे निकालेंगे, i निकालेंगे, i इज इक्वल टू 1 + n - 1 α, 1 + 3 - 1, 40% गिवन है तो 0.4, तो आ जाएगा 1.8। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1.8 इसका आंसर हो जाएगा, तो बी आंसर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, ये भी 2019 का क्वेश्चन हमें बताया, 2019 में इसे 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 62 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल है, जिसको 250 ग्राम पानी में ऐड कर दिया, और उसको कितना कूल कराया हमने, -10 डिग्री तक। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, ये फॉर्मूला लगा देंगे। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी होगी, 10, क्योंकि पानी का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, 0 से -10 पे गया, तो इसका मतलब चेंज कितने का आ गया, 10 का। इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए वैल्यू कितनी हो गई आई की, 1। के एफ की वैल्यू कितनी है, 1.86, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है मास ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। अब हमें कह रहा है कि हमारे पास कितना अमाउंट आइस बन गया होगा, ठीक है। तो हमने टोटल पानी लिया था 250 ग्राम, तो 250 ग्राम में कुछ तो हमारे पास क्या रह गया, लिक्विड सोलवेंट ही रह गया, और कुछ किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 0 डिग्री के बाद हमारे पास, 0 से आप जितने कम पे चले जाओगे उतना आइस बनती चली जाती है ना। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि भाई हमारे पास 10 इज इक्वल टू, अब की बार हम क्या करेंगे, मास ऑफ सोलवेंट हम निकाल लेते हैं, सोलवेंट का मास निकाल लेते हैं। तो सोलवेंट का मास अब जितना आएगा उसको 250 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास उतना आ जाएगा ना जो बर्फ बन चुका है या आइस बन चुका है। तो 10 इज इक्वल टू 1 × 1.86, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ गए, 62 डिवाइडेड बाई 62 कितना आ गया, 1 / W in kg। तो W in kg कितना आ जाएगा आपके पास, 1.86 / 10, मतलब 0.186 kg, मतलब 186 ग्राम, मतलब आपके पास 186 ग्राम सोलवेंट है। आपने कितना लिया था टोटल, 250 ग्राम सोलवेंट लिया था, लेकिन अभी आपके पास कितना बचा, 186, मतलब 64 ग्राम आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें 250 ग्राम जो सोलवेंट दे रखा था वो सारा का सारा 250 ग्राम जो पानी दे रखा था सारा का सारा लिक्विड फेज में नहीं है, उसमें से कुछ किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में, वो ही निकालना था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप
क्लास में भी पढ़ते हो और ये इस तरीके के क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रूम टेम्परेचर पे डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बनाया हमने, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बनाया, किसको डिसॉल्व करके 0.60 ग्राम ऑफ यूरिया इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। तो आप मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लो, 0.60 डिवाइडेड बाय यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, तो कितना आ जाएगा 0.01, ये आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब ए, 360 ग्राम ऑफ पानी लिया, 360 डिवाइडेड बाय पानी का मोलर मास 18, कितना आ गया 20। अब हमें क्या कह रहा है, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना है 35 mm ऑफ Hg, तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी, कितना वेपर प्रेशर कम हो गया होगा। तो देखिए पी नोट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी नोट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 35, तो पी ए की वैल्यू कितनी होती है, पी ए की वैल्यू होती है पी नोट ए का ही है, तो हमें निकालना है पी नोट ए माइनस पी ए, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। पी ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पी नोट ए की वैल्यू 35 की मैंने, काई ए का मतलब, काई ए का मतलब हो गया मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल्स, तो आ गया 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 0.01, ये आ गया। तो यहाँ से हमारे पास पी ए की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, पी नोट ए हमें पता है, तो पी नोट ए माइनस पी ए अगर इसको सोल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आप सोल्व कर लेंगे ना, और हमें पी ए नोट ए की वैल्यू 35 की बने, 35 में से पी ए की वैल्यू कम कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि दो ओपन बीकर दे रखे हैं, ठीक है, एक के अंदर सॉल्वेंट है और एक के अंदर क्या है, सॉल्वेंट है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इनको एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया, इनको एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया, यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि यहाँ का वेपर प्रेशर पी नोट है, यहाँ का वेपर प्रेशर पी ए, और पी नोट ए ज़्यादा होगा, पी नोट ए ज़्यादा होता है किससे, पी ए के कंपेरिजन में, ठीक है। तो अब हमें क्या पूछ रहा है कि क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ का वेपर प्रेशर कम है, तो यहाँ से जो कुछ वेपर्स होंगी वो उसके अंदर चली जाएंगी या नहीं चली जाएंगी, ताकि दोनों में क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए। और आपको पता है कि जो वेपर्स या गैस होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे फ्लो करती है, तो इधर का प्रेशर ज़्यादा था, उधर का प्रेशर कम था, तो जो सॉल्वेंट साइड है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट साइड है उसका वॉल्यूम तो डिक्रीज हो जाएगा, और जो सॉल्यूशन साइड है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट्स पढ़ के आप अंदाजा लगा सकते थे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 का क्वेश्चन है, देखिए 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर से, उसमें क्या कह रहा है कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है एक्स वाई कंपाउंड का पानी में, जिसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 4 गुना है BaCl2 के सॉल्यूशन से। तो देखिए आप क्या कह सकते हैं, πI1 C1 RT, तो इसको कह सकते हैं πI1 I1 C1 RT और πI2 I2 C2 RT। तो आप πI1 की वैल्यू देखते हैं, πI1 की क्या दे रखी है, किसके लिए, मान लीजिए XY है, तो XY है तो XY कितने पार्टिकल में टूट रहा है, दो पार्टिकल में, हमें क्या करना है 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो अब ये XY के लिए लिख रहा हूँ, सपोज करिए ये XY के लिए, ये BaCl2 के लिए। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि कंसंट्रेशन बतानी है XY की, तो πI1 की वैल्यू 2, क्योंकि XY 2 x प्लस और y माइनस देगा ना, xy क्या देगा, x प्लस और y माइनस, तो i की वैल्यू हो जाएगी 2। c1 की वैल्यू हमें यही तो निकालना है, r की वैल्यू नहीं पता, t की वैल्यू नहीं पता, मतलब पता नहीं, मतलब वो आपस में डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। πI2 BaCl2 के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, 3, एक तो Ba2 प्लस और 2 Cl माइनस, 100% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 ले लेना, तो आप i = 1 + n - 1 अल्फा लगाओगे तो Ba ही आंसर आएगा, ठीक है। 3 × कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.01 × RT, आपको क्या करना था, πI1 / π2 आ जाएगा 2/3 × C1/0.01, तो यहां से आप πI1 / π2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, तो ये आ जाएगा 4 = 2/3 × C1/0.01, तो यहां से आपके पास C1 की वैल्यू आ जाएगी 0.06, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, सी ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। एग्जाम में बड़ा इजी क्वेश्चन पूछे गए इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सॉल्यूशन बनाया हमने, किसको डिसोल्व करके, यूरिया को और ग्लूकोज को डिसोल्व कर लिया 100 ml वाटर में 27 °C पे, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, तो दो अब की बात, तो दो चीजें मिलाई, तो πI = π1 + π2, तो π1 क्या हो गया, I1 C1 RT प्लस
I2C2RT। अब देखिए आई की वैल्यू तो यूरिया हो चाहे ग्लूकोज हो, दोनों के लिए क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो वन इंटू सी वन की जगह नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, आर टी वन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीटर्स इंटू आर टी। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है हमें यूरिया के केस में बताइए, तो आपको गिवन है 0.6 डिवाइडेड बाय 60, तो कितना आ जाएगा 0.01। 0.6 डिवाइडेड बाय 60 कितना आ जाएगा 0.01। और वॉल्यूम कितना है 100 ml है, लीटर में करना है 100 ml है तो लीटर में करना है, तो 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 100/1000 मतलब कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 0.01, ये हो गया 1/10 इंटू आर टी, ऐसे ही यहाँ हो गया 1। अगर ग्लूकोज की बात करूँ तो उसके अगर मैं मोल्स निकालूँ, इसके अगर मोल्स निकालूँ तो 1/8 डिवाइडेड बाई 180, ये भी आ गया 0.01। ठीक है, तो ये भी आ गया 0.01, वॉल्यूम सेम है, डिवाइडेड बाई 1/10 इंटू आर टी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.2। ठीक है, 0.2 आर टी, 0.2 आर ओ टी। आर की वैल्यू हमें गिवन है, टेम्परेचर हमें 27 डिग्री सेल्सियस है मतलब 300 केल्विन गिवन है, हम इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो दो अलग अलग सॉल्यूशन, दो चीज़ों को सेम में सॉल्वेंट में मिला के दे दे तो आप उनके केस में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर सकते हो, पाई इज इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2 कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे, ये भी हमारे पास 2020 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, NAT जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इससे, वो भी क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि मैंने बताया ना आपके पास 2020 में भी इससे 5 क्वेश्चन पूछ लिए जनवरी में, और 2019 में इससे दोनों अटेम्प्ट मिला के 16 क्वेश्चन पूछे थे। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ये जो हमारे पास आइडियल गैस है, ये हमारे पास इस इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है। अब हमें इस इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए क्या डाटा गिवन है, तो इसके केस में हमें फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ बात गिवन है, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ से निकाल लेंगे कि भाई यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर कितना रहा होगा क्योंकि दोनों किसमें थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का टेम्परेचर निकल गया इस वाले का, नीचे एक्वस इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो आइडियल गैस का भी वही टेम्परेचर ले लेना है। ठीक है, डेल्टा टी एफ, आई की वैल्यू कितनी ले लेनी है इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए 1, के एफ की वैल्यू कितनी गिवन है 2, और एम की वैल्यू कितनी गिवन है 0.5। तो हमारे पास डेल्टा टी एफ कितना आ गया, डेल्टा टी एफ आ गया 1, मतलब जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया वो 1 आया, तो इसका मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ गया, हमारे पास 272, क्योंकि होता था 273 है आइस का, लेकिन एक का जो आ गया वो डिप्रेशन आ गया तो कितना हो गया 272। इसका मतलब ये जो हमारे पास जो टेम्परेचर होगा ना वही हमारे पास आइडियल गैस का टेम्परेचर होगा, वही हमारे पास किसका टेम्परेचर होगा, आइडियल गैस का टेम्परेचर, क्योंकि ये किसमें एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो सबसे पहले जो ये डाटा गिवन था वो आइडियल गैस का टेम्परेचर निकालने के लिए गिवन था। ठीक है, अब आइडियल गैस में आप पीवी बराबर एनआरटी लगाओ, इनिशियली प्रेशर कितना गिवन है आपको पता नहीं, वॉल्यूम कितना गिवन है 1 लीटर, देखो वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है 1 dm³ मतलब 1 लीटर, मोल्स कितने गिवन है 0.1, आर की वैल्यू कितनी गिवन है 0.08, टेम्परेचर कितना 272। तो आ जाएगा P इज इक्वल टू 2.1768 atm, प्रेशर कितना आ गया 2.1768 atm, इनिशियल जो प्रेशर है P1 की वैल्यू कितनी आ गई 2.1768 atm। अब ये कह रहा है कि मैं इन दोनों स्टॉपर को हटा देता हूँ, इन दोनों स्टॉपर को हटा दोगे तो आपके पास ये जो गैस है वो एक्सपेंड करना शुरू करेगी, गैस का एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा। कह रहा है इफ द स्टॉपर्स S1 एंड S2 आर सडनली विड्रॉन, तो इनको हटा देते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा। तो अगर एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा तो उस केस में हमारे पास कब तक एक्सपेंशन होता रहेगा, जब तक हमारे पास, जैसे आपने इनको हटाया स्टॉपर्स को, तो हमारे पास बाहर से अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा 1 atm के बराबर। तो ध्यान रखना है कि जब हमारे पास अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता तब तक हमारे पास क्या होता रहेगा, इस तरीके से एक्सपेंशन होता रहेगा ना। तो आपको ध्यान रखना है कि P1 की वैल्यू 2.1768 atm आई, इनिशियली वॉल्यूम हमें कितना गिवन था, वॉल्यूम हमें 1 लीटर गिवन था। ठीक है, तो जो P2 होगा वो कितना होगा 1 atm, क्योंकि 1 atmospheric प्रेशर पे ही तो इक्विलिब्रियम आएगा ना, तो अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा था कि फाइनल वॉल्यूम बताओ,
फाइनल वॉल्यूम बताओ तो आप इसमें क्या अप्लाई कर दीजिए, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। पी वन की वैल्यू 2.176, वॉल्यूम कितना दे रखा था 1 लीटर, पी टू कितना था 1 एटीएम, वी टू हमें निकालना था तो यहाँ से वी टू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वी टू की वैल्यू आ जाएगी 2.176। और क्वेश्चन में 2 डेसिमल पॉइंट तक पूछा हुआ था तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 2.18 लीटर। तो ये हमारे पास जो पार्ट हो गया लिक्विड सॉल्यूशंस का। तो आप इसके जितने भी क्वेश्चंस देखोगे सब क्वेश्चन बेसिक्स पे ही हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राउट्स लॉ और जो हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ा, ठीक है उसके क्वेश्चंस हमने थोड़ा फास्ट करें तो एक बार आप ये पीडीएफ देख लेंगे, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।